हेलो जी, राम राम सारे ने। आज हम बनाने जा रहे हैं अंडा करी। इसके लिए हमने प्याज टमाटर ले लिया है और अंडे ले लिए हैं। अब हम पैन गरम कर रहे हैं, तो इसमें 1 चम्मच तेल डाल दिया है मैंने। तेल गरम हो जाने के बाद प्याज डाला है। प्याज को अच्छी तरह से भून लीजिए, अच्छी तरह मिक्स करिए इसको। ये देखिए प्याज भून गया है, तो अब इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट डालेंगे। इनको मिलाइए। तब ये टमाटर डाल रही हूँ मैं इसमें। इन सभी को मिक्स करिए। अब ये 1 चम्मच इसमें नमक डाला है ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। थोड़ी देर इसको ऐसे ही चलाते रहिए। तो ये देखिए, ये हमारा मसाला बनके तैयार हो गया है। एक प्लेट में डाल लेंगे, ग्राइंडर करेंगे इसको। सभी को प्लेट में डाल लिया हमने। और अब ये अंडे उबाल के रखे थे मैंने, इनमें थोड़ा हल्का हल्का कट लगा लिए ताकि इसमें मसाला अंदर भी चला जाए। बिल्कुल हल्का हल्का लगाना है, ज़्यादा नहीं। ये देखिए सभी अंडों में मैंने थोड़ा थोड़ा कट लगा लिया है। ये मिर्च डाली है मैंने, थोड़ी सी हल्दी डाली है। अब इनको मिक्स कर लीजिए, अच्छी तरह से मिलाइए। और फिर से हम पैन गरम कर रहे हैं, इसमें थोड़ा सा तेल डाला है मैंने अंडे फ्राई करने के लिए। ये अंडे फ्राई कर रहे हैं हम इसमें। अंडों को हिलाते रहिए। तो अब जो मसाला पकाया था हमने, उसको ग्राइंडर करेंगे। और फिर से ये पैन गरम कर रही हूँ मैं, इसमें 1 चम्मच तेल डाला है। और ये कुछ खड़े मसाले डाले हैं इसमें, तेज पत्ता जैसे ये दालचीनी, इनको भूनिएगा। और 1 चम्मच जीरा डाल दिया इसमें। देखिए भून जाने दीजिए इनको। 1 चम्मच हल्दी डाली है ताकि सब्जी का अच्छा कलर आ जाए। और ये नमक मिर्च डाल दिया है मैंने इसमें। आप चाहे तो इसमें बाद में भी डाल सकते हैं, ये मैं पहले इसलिए डाल रही हूँ ताकि सब्जी का अच्छा कलर आ जाए। और जो पेस्ट तैयार किया था हमने, ग्राइंडर किया था, तो वो उसमें डाल दिया है। अच्छी तरह से मिक्स करिए इसको, 1-2 मिनट के लिए पकाइए इसे। इसे हिलाते रहिए। और 1 गिलास पानी का डाला है इसमें। थोड़ी देर के लिए इसको पकाइए। और अब इसमें जो अंडे तैयार किए थे हमने, वो डाल दिए हैं। ये सभी डाल दिए इसमें। थोड़ी देर के लिए हम इसको कवर करके रखेंगे। 4 से 5 मिनट के लिए हमने इसको पकने के लिए रखा था। तो देखिए दोस्तों, हमारी सब्ज़ी बनके तैयार है। तो कैसी लगी हमारी ये रेसिपी, लाइक और कमेंट जरूर करिए।